सांसों के लिए तड़पता रहा मरीज, कोरोना टेस्टिंग से पहले गेट पर तोड़ दिया दम। कोरोना वायरस ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है, बिहार भी इससे अछूता नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था इस कदर धराशायी हो चुकी है कि लोग हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचने से पहले दम तोड़ रहे हैं। ऐसा ही सीवान में जहां रेड क्रॉस सोसाइटी है वहां के मुख्य दरवाजे पर हुआ। कोरोना पेशेंट जांच करवाने आए मरीज गेट पर ही दम तोड़ चुका था। दोस्तों क्या कहेंगे इस चीज को लेकर, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो को पूरा देखें और लाइक करते हुए शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप और फेसबुक पर। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक मृतक जीरादेई का रहने वाला था। बीमार होने पर वो जांच कराने पहुंचा। जब तक उसकी जांच होती शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया। उसे सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। मृतक के भाई उन्हें बेहतर इलाज के लिए सीवान लेकर गए थे। डॉक्टर्स ने उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया था, जिसके बाद वे उन्हें लेकर सदर अस्पताल पहुंचे क्योंकि प्राइवेट डॉक्टर्स ने एडमिट से मना कर दिया था। डॉक्टरों ने कोरोना जांच करवाने के बाद ही भर्ती की बात कही। इस दौरान मरीज की बेचैनी बढ़ती गई, किसी ने उसकी सुध नहीं ली। मरीज के भाई ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, डॉक्टरों ने एक भी नहीं सुनी। पहले कोरोना जांच करवाने की जिद पर अड़े रहे। जब तक उसका नंबर आता तब तक उसने गेट के बाहर ही दम तोड़ दिया। दोस्तों आपको बता दें कि उसके भाई की कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव पहले से ही थी, लेकिन डॉक्टर मानने को तैयार नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि कुछ घंटों के बाद ही उस मरीज की दरवाजे पर ही मौत हो गई। क्या कहेंगे, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।